हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गणेश और आप देख रहे हैं सुपर टेक गणेश यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप जियो पेमेंट बैंक में अपना एक सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करेंगे, इसके प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, अगर आप भी एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो जियो पेमेंट बैंक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जहां पे आप फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे ही। और इस अकाउंट में आपको काफ़ी सारे बेनिफिट मिल जाते हैं, जैसे कि ये अकाउंट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, इसमें आपको किसी भी प्रकार का बैलेंस मेंटेन नहीं करना होता है। साथ ही आपको एक फ्री में एटीएम कार्ड भी मिल जाता है, जिसका यूज आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, अमेजोन पे या फिर अदर कोई भी एप्लीकेशन ऐप यूज करने में कर सकते हैं। इंस्टेंट आपको अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड मिल जाता है। तो कैसे दोस्तों आपको जियो पेमेंट बैंक में अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करना है, इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए और वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने मोबाइल में माई जियो ऐप को ओपन कर लीजिए। अब ओपन होने के बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार डैशबोर्ड आ जाएगा। अब दोस्तों जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए आपको ऊपर बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, जैसे कि आप पे देख पा रहे हैं होम, मोबाइल, फाइबर, मूवीज, इसमें आपको स्क्रॉल करना है। लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा बैंक का, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बैंक का जो ऑप्शन है, आपको बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों जैसे आप बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा और आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा, जहां पे आपको इस बैंक अकाउंट की कुछ हाईलाइट बताई जाएगी। तो यहां पे देख सकते हैं ओपन योर सेविंग बैंक अकाउंट ऑनलाइन, तो आप इस अकाउंट को ऑनलाइन ओपन कर पाएंगे पूरी तरह डिजिटल प्रोसेस के माध्यम से, कहीं भी आपको विजिट नहीं करना है। तो देख सकते हैं इस अकाउंट में आपको किसी भी प्रकार का बैलेंस मेंटेन नहीं करना होगा, नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, नो हिडन चार्जेस, आपको किसी प्रकार के एनुअल चार्ज नहीं लगेगी और आपको फ्री वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा, देख सकते हैं। तो सिंपल दोस्तों अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको लेट्स गेट स्टार्टेड वाला ऑप्शन नीचे दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब जैसे ही दोस्तों आप लेट्स गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने नया पेज इस प्रकार आएगा, जहां पे आपको एक एम पिन सेट करना होगा, ताकि आप जब भी जियो पेमेंट बैंक में लॉग इन होंगे तो आपको एम पिन एंटर करना होगा। साथ ही आप इस अकाउंट में जिस टाइम ट्रांजेक्शन करेंगे उस टाइम भी आपको इस एम पिन की जरूरत होगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इंटर एम पिन वाले ऑप्शन पे अपना 4 डिजिट एक एम पिन सेट करेंगे, फिर से आप एम पिन को कंफर्म करेंगे। इसके बाद आपको प्रोसीड ऑप्शन दिख रहा है, प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे। अब दोस्तों एम पिन सेट हो जाने के बाद आपको एम पिन को फिर से वैलिडेशन करना है, तो आप यहाँ पे अपना एम पिन एंटर करेंगे और कंफर्म पे क्लिक करेंगे। अब जैसे दोस्तों आप एम पिन को वैलिडेशन करते हैं, आप जियो पेमेंट बैंक वाले पेज पे लॉगिन हो जाएंगे। तो देख सकते हैं मैं इस पेज पे लॉगिन हो चुका हूँ। अब दोस्तों आपको एक बैनर दिख रहा है जिसमें लिखा है वेलकम टू जियो पेमेंट बैंक इंडिया का नया बैंक। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ज्वाइन नाउ का, तो सिंपल आप ज्वाइन नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आपके सामने इस प्रकार नया इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आपको जियो पेमेंट बैंक अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के बारे में दिखाया जाएगा। तो देख सकते हैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, नेक्स्ट पे आप क्लिक करें, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करें और लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करें। अब जैसे लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, अब आपका मोबाइल नंबर फिर से वेरीफाई होगा, आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा, आपको सबमिट ऑप्शन दिख रहा है, सबमिट पे आप क्लिक कर देंगे। कुछ सेकंड वेट करेंगे। अब दोस्तों आपको टर्म और कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, तो देख सकते हैं इसको आप रीड करेंगे, जो भी जियो पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन करने का जो टर्म और कंडीशन है उसको आप रीड कर लीजिए। यहाँ पे जो चेकबॉक्स है उस पर ऑलरेडी टिक रहेगा, आपको आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप आई एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं, आपके सामने नया इंटरफेस इस प्रकार आ जाएगा। अब दोस्तों आपको केवाईसी कंप्लीटेड करना होगा जियो पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, तो देख सकते हैं आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है गेट माई डॉक्यूमेंट फ्रॉम डिजी लॉकर, तो आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। अब कुछ सेकेंड वेट करें। अब जैसे आप गेट माई डॉक्यूमेंट फ्रॉम डिजी लॉकर पे क्लिक करते हैं, आपके सामने नया इंटरफेस इस प्रकार आ जाएगा। अब दोस्तों आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे एंटर करना है, देन आपको साइन इन विथ ओटीपी पे क्लिक करना है। अगर आपका डिजी लॉकर का आईडी नहीं बना हुआ है तो भी कोई बात नहीं है, आप अपना आधार नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे और साइन इन विथ ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप आधार नंबर डाल के सबमिट कर देते हैं, आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, वो 6 डिजिट ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तो चलिए मैं ओटीपी डाल के कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों ओटीपी डाल के जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, अब आपको एक 6 डिजिट पिन क्रिएट करना होगा, ये पिन आपका डिजी लॉकर का पिन सेट होगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है पिन विल वर्क एज द पासवर्ड ऑफ योर डिजी लॉकर अकाउंट एंड विल बी रिक्वायर्ड फॉर एवरी लॉगिन। आप जब भी डिजी लॉकर पर लॉगिन होंगे तो आप इस पिन का यूज कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से एक 6 डिजिट पिन डालेंगे, पिन को फिर से कन्फर्म करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे।
अब दोस्तों पिन सेट करके जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं, आपका टोटल डिटेल या आधार कार्ड से डिटेक्ट कर लेगा, आपका सारा डिटेल यहाँ पे शो होगा। जैसा कि मेरा भी डिटेल आ चुका है, मैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए ब्लावर करके रखा हूँ। अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे आप नेक्स्ट करते हैं, आपके सामने नया फॉर्म आ जाएगा। अब आपको इस फॉर्म में अपना फाइनेंशियल डिटेल्स एंटर करना है। जैसे कि सबसे पहले अपन अपना सैल्यूटेशन सेलेक्ट करेंगे, आप मिस्टर है मिसेज है, पेन नंबर यहाँ पे डालेंगे, मैरिटियल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, आप मैरिड है अनमैरिड है, फादर नेम अपना टाइप करेंगे, मदर नेम टाइप करेंगे, ऑक्यूपेशन को चूज़ करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको अपना मदर नेम यहाँ पे फिल करना है, आप ऑक्यूपेशन चूज़ करेंगे, आप क्या करते हैं, आपका इनकम सोर्स क्या है वो आप सेलेक्ट करेंगे, एनुअली इनकम को आप सेलेक्ट करेंगे कि आप साल में कितना इनकम कर लेते हैं। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है, आपको चेकबॉक्स दिख रहा है इस पर टिक लगाएंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट स्टेप आएगा, जहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल करना है। ये आपका प्रेजेंट एड्रेस आधार कार्ड से डिटेक्ट कर लेगा। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यहाँ पे यस बटन मिलेगा, आप यस पे क्लिक करके दोनों एड्रेस को सेम कर सकते हैं। और अगर आपका अलग अलग एड्रेस है तो आप एड्रेस को फिल करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों सारा डिटेल फिल करने के बाद आपको नॉमिनी डिक्लेयर करना है। अगर आप अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करके नॉमिनी डिटेल फिल करेंगे। अगर आप बाद में नॉमिनी ऐड करेंगे तो नो बटन पे सेलेक्ट किया हुआ है, नो पे रहने दीजिएगा और नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों अब तक आपने एप्लीकेशन में जो भी डिटेल फिल किए हैं वो सारा डिटेल आपके सामने आ जाएगा। आप देख सकते हैं टोटली डिटेल आपको अपना देखने को मिलेगा। इसमें से अगर आपका सब कुछ सही है तो प्रोसीड पे क्लिक करें, और अगर इसमें से कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन गलत लगे तो आपको एडिट ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, एडिट पे क्लिक करके आप फिर से उसको सुधार सकते हैं। इसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करें। अब दोस्तों आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको वीडियो केवाईसी वेरिफिकेशन करना है, तो देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो वेरिफिकेशन करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए। तो आपको अकाउंट ओपनिंग का एक रेफरेंस नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि मैं ब्लावर करके रखा हूँ। मेरा भी एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट हो चुका है, तो देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है वीडियो केवाईसी करने के लिए आपके फ़ोन में कैमरा होना चाहिए, अच्छा इंटरनेट कनेक्टिविटी आपके पास होना चाहिए, प्रोफेशन ऑफ पैन कार्ड आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड होने चाहिए, प्रोफेशन ऑफ आधार कार्ड ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए। तो ये सारा सब कुछ आपके पास रेडी है, तो आप प्रोसीड वाला ऑप्शन नीचे देख पा रहे हैं, प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। अब जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं फिर से आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है, फाइंड ए वेल लाइट एंड क्वेट प्लेस, शांत और लाइट वाले जगह पर बैठिए, गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी आपके पास अच्छे इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, कीप योर पैन कार्ड हैंडी, आप अपने हाथ में पैन कार्ड और आधार कार्ड रखें। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है स्टार्ट कॉल विद द एजेंट, तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका वीडियो चैट स्टार्ट हो जाएगा और जियो पेमेंट बैंक के जो एजेंट है वो आपसे वीडियो कॉल करेंगे, जिसमें आपको कुछ डिटेल आपसे पूछा जाएगा। तो आप अपना डिटेल बताएंगे, जैसे कि नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका बर्थ सिटी, आप क्या करते हैं, और आपको अपना आधार कार्ड और ओरिजिनल पैन कार्ड, साथ आपको एक व्हाइट ब्लैंक पेपर रखना है और पेन रखना है जिसमें आपको सिग्नेचर करके कैमरा के सामने दिखाना है। तो जैसे आपका वीडियो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपका जियो पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों केवाईसी कंप्लीट करने के बाद आप अपना अकाउंट डिटेल को यहाँ से चेक कर पाएंगे। आप माय जियो ऐप पे आके बैंक वाले सेक्शन पे जाएंगे, अपना एम पिन डालेंगे तो आप बैंक वाले पेज पे आ जाएंगे। इसमें आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा पासबुक का, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको अपना अकाउंट डिटेल देखने को मिल जाएगा, साथ आपको अपना वर्चुअल एटीएम कार्ड भी देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इंस्टेंट आप इस अकाउंट का यूज़ भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस दिखा दी है कि कैसे आपको जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करना है, कैसे आपको एप्लीकेशन फिल करना है, वीडियो केवाईसी कैसे वेरिफिकेशन करना है। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है वीडियो को नीचे कॉमेंट कीजिए और वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।